नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गरगड़ाई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पालम एयरपोर्ट पर उमड़ी संवेदनाएं, पीएम मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत और अन्य शूरवीरों को किया नमन। सीसी सुनील चंद्रा का बयान, काला धन राक्षस की तरह निपटने में करी नोरी की कड़ी कार्रवाई। रिजिजू का बड़ा बयान, महिला आरक्षण पर सहमति जरूरी, लाए गए 3 विधेयक पर नहीं हो सके पारित। केरल में बर्ड फ्लू का प्रकोप, बत्तख और मुर्गियों को मारने के दिए गए आदेश। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ाने 31 जनवरी तक रहेंगी निलंबित, डीजीसीए की स्वीकृति प्राप्त, मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा निलंबन। रेलिगेयर फिनविस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरफ्तार, 2397 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा का मामला। गुजरात हाईकोर्ट ने नगरपालिका को लगाई फटकार, कहा ये आप तय करेंगे हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। पंजाब में नियमित होंगे 4000 से ज्यादा सफाई सेवक, चन्नी सरकार ने लिए बड़े फैसले। रांची राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन के नाम जुड़ी नई उपलब्धि, मिला आईएसओ का सर्टिफिकेट। बड़े छात्र नेताओं की कमी से चिंतित सीजीआई एनवी रमन्ना, कहा यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं। जमुई सांसद चिराग पासवान का नीतीश पर हमला, कहा एसी कमरे में बैठकर सफल नहीं होगी शराबबंदी। किसान आंदोलन खत्म, अगले हफ्ते से दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों का सफर हो जाएगा आसान। नवीन जय हिंद सहित 24 लोगों पर केस दर्ज, पुरुषोत्तमपुरा बाग में भाले और हथियार लेकर घुसे थे सभी। तलैया शहरी जलापूर्ति योजना का हुआ टेंडर, बनेंगे 5 नए जल मीनार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने के निर्देश ने लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों व अन्य को जम्मू कश्मीर देगा पेंशन। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा न्यू ईयर गिफ्ट, 3% बढ़े महंगाई भत्ते का नकद भुगतान। यूपी में गोसाईगंज से भाजपा एमएलए खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। योगी आदित्यनाथ सरकार में मृतक आश्रितों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग में मिलेगी मनचाहे जिनमें नियुक्ति। यूपी में चुनावी दंगल में भाजपा के लिए दम लगाएंगी बबीता फोगाट, भाजयुमो के प्रदेश सह प्रभारी बनी। यूपी में ओमिक्रॉन नहीं, डेल्टा वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा, बड़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता।
आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का होगा अंतिम संस्कार, सैनिक सम्मान के साथ उनके आवास पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अलीगढ़ में अवैध वसूली पर छापामार कार्यवाही, जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। फरुखाबाद में बीमारी से सैनिक की हुई मौत, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ललितपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ महाअभिषेक, रामलीला का हुआ आयोजन। रायबरेली में पुलिस ने निकाला रूटीन फ्लैग मार्च, पटरी दुकानदारों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। रायबरेली में तीन ट्रकों में हुई भिड़ंत, घंटों लगा रहा लंबा जाम। शाहजहांपुर में गेहूं के लिए रामबाड़ साबित हो रहा कोहरा, गेहूं की फसल से होगा अच्छा पैदावार। सीतापुर में अनियंत्रित होकर पलटी सीओ, निघासन की गाड़ी रास कर ना होने से पलटी गाड़ी। सीतापुर में उप मुख्यमंत्री ने दी जनता को सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान जुआरी हुए गिरफ्तार। बलिया में स्वतंत्र देव सिंह की रैली से महिलाओं में आक्रोश, समूह की मीटिंग के नाम पर रैली में बुलाया गया। बिजनौर में सरकारी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, आग लगने से सरकारी एम्बुलेंस जलकर हुई राख। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से खौफनाक तस्वीर आई सामने, ट्रेन के बाहर लटक कर सफर कर रहे यात्री। कानपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने, पुलिसकर्मी ने युवक को मारी लाठियां, बच्ची के सामने पिता पर बरसाई लाठियां। कानपुर की घटना पर भाजपा सांसद ने किया ट्वीट, ट्वीट के बाद एडीजी ने लिया एक्शन, आरोपी पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। लखीमपुर खीरी में आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन, 1 दिसंबर से विलोबी मैदान में चल रहा प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में पार्टी में दबंगों ने युवक को मारी गोली, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों से हुआ था विवाद, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। रायबरेली में दबंगों को नहीं पुलिस का खौफ, जमीनी विवाद से दबंगों के घर में लगाई आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। बिजनौर में सरफराज को किया चिलाबदर, आरोपी के घर पर नोटिस हुआ चस्पा, गांव में भी सभी को दी गई सूचना। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तोड़ी गई अवैध कॉलोनी। हादसे में एकमात्र जीवित बचे कैप्टन वरुण सिंह, देवरिया में सलामती के लिए दुआ मांग रहे लोग।
बाकी पदाधिकारियों ने किया हवन, अधिकारियों के लिए किया गया हवन। फरुखाबाद में सीडीएस रावत को दी गई श्रद्धांजलि, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जताया शोक। फतेहपुर में कांग्रेस नेता ने की जनसंपर्क यात्रा, कांग्रेस सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रायबरेली में मोटरसाइकिल सवार चार लोग घायल, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। चंपावत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, विधायक समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। धनौरी में सुरेंद्र सैनी का हुआ जोरदार स्वागत, सैनी समाज के लोगों ने किया स्वागत। धनौरी में आरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहन चेकिंग अभियान में वसूला गया जुर्माना। कलेर में भाजपा के जनसंपर्क अभियान में पकड़ी रफ्तार, वरिष्ठ भाजपा नेता ने चलाया अभियान। कलेर में भाजपा के खिलाफ ग्रामीणों में रोष, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ फूटा गुस्सा। में यात्री स्थल में दबने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम। उत्तराखंड चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, दी गई गाइडलाइन की जानकारी। उत्तराखंड के 13 डिग्री कॉलेज में छात्राओं के लिए बनाए जाएंगे हॉस्टल, आवाजाही की समस्या से मिलेगी निजात। हरिद्वार दून राजमार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे मृत मिला युवक, यहां पहले भी बरामद हुआ था अधजला शव। उत्तराखंड में हंगामेदार रहा सत्र का दूसरा दिन, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। उत्तराखंड में जनरल रावत की यादों को चिरस्थायी बनाएगी सरकार, देश की सुरक्षा में रहा बड़ा योगदान। देहरादून में चालक अचानक हुए गायब, कर्मचारी भिड़े और दो घंटे खड़ी रही दून से कटरा जाने वाली वॉल्वो बस। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के घोटाले के मामले में डीएम तकनीकी विश्वविद्यालय वीसी व कॉलेज चेयरमैन को नोटिस। में पारे में गिरावट, रात को ठिठुरन बढ़ी, सामान्य नीचे पहुंचा तापमान। जनरल बिपिन रावत के नाम होगा उत्तराखंड में सैन्य धाम का मुख्य द्वार और सैनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। जीए ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दिया ऑब्जर्वर का दर्जा, त्रिमूर्ति ने कहा ऐतिहासिक निर्णय। न्यूजीलैंड में आजीवन सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे युवा, सरकार लगाएगी प्रतिबंध।
एफएच वैक्सीन पास और फेस मास्क ओमिक्रॉन से बचने के लिए यूके में प्लान बी लागू। पाकिस्तान में मिला ओमिक्रॉन का संदिग्ध, सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को देगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 57 साल की उम्र में सातवीं बार पिता बने, घर आई बेटी। डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले ओमिक्रॉन पूर्व वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक लेकिन डेल्टा से कम घातक होने की संभावना। ओमिक्रॉन की दहशत, अमेरिका ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए फाइजर की वैक्सीन के बूस्टर डोज की मंजूरी दी। ओमिक्रॉन के 40% मामले, दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य समस्या वालों को बूस्टर डोज लगाने की सलाह। निकारागुआ ने तोड़े ताइवान से राजनयिक संबंध, चीन ने दी शुभकामनाएं। इसराइल ने बनाई 65 किलोमीटर लंबे लोहे की दीवार, चंद सेकंड में खत्म होंगे दुश्मन। मीटा फेसबुक यानी भारत में उद्यमी और क्रिकेटर्स को देगी ट्रेनिंग, 1 करोड़ छोटे व्यवसाय को होगा फायदा। एमजी मोटर्स भारत में लॉन्च करेगी इलेक्ट्रॉनिक कार, लाखों की हो सकती है कीमत। साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड, डिजिटल करेंसी में चिंता का बड़ा विषय, आरबीआई गवर्नर दास का बयान। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना। नए साल में कर्मचारियों की इतनी बढ़ेगी सैलरी, साथ ही मोदी सरकार बढ़ाएगी डीए और एचआरए। जल्दी फीचर फोन से कर सकेंगे यूपीआई आधारित भुगतान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की घोषणा। चौबीस तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, के इन बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की मंजूरी मिली। सीतारमण दुनिया की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल, फाल्गुनी नायर की भी एंट्री। जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी और बढ़ी। क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने से खत्म हो सकता है मुद्रा आपूर्ति पर आरबीआई का नियंत्रण, पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने दिया बयान। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर रवि शास्त्री ने दिया बयान, बताया वो हमेशा वही करता है जो टीम के लिए सबसे अच्छा होता है। एशियन सीरीज के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की घोषणा। सौरव गांगुली ने किया खुलासा, विराट कोहली ने नहीं मानी थी बात, इसलिए कप्तानी से हटाया गया।
रोहित शर्मा ने वनडे कप्तान बनने के बाद की विराट कोहली की तारीफ, कहा हमें उसकी जरूरत है। इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ी, बेन स्टोक्स के घुटनों में लगी चोट। विराट कोहली ने शेयर की 80 के दशक के बच्चे की तस्वीर, लिखा वंस अपॉन अ टाइम। रवि शास्त्री का खुलासा, पूरी कोशिश की गई मैं टीम इंडिया का कोच न बन सकूं। दो कप्तानों की नीति पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बाद भारत ने भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अलग कप्तान। गायकवाड और वेंकटेश अय्यर के शतक, भारतीय क्रिकेट के युवा सितारों का विजय, हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन, संजू सैमसन फेल। पाक टीम से दो दो हाथ करने पहुंची वेस्टइंडीज की टीम, होटल में हुई कैद। कंगना ने एफआईआर रद्द करने के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, किसानों के खालिस्तानी आतंकवादी कहने पर हुई थी शिकायत। बंगाली एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी का हुआ एक्सीडेंट, कार से कोलकाता आ रही थी टीएमसी नेत्री। शादी के बाद कैटरीना विकी के लिए लगा बधाइयों का तांता, आलिया भट्ट से लेकर ऋतिक रोशन सहित कई सितारों ने दी बधाई। बादशाह के पानी पानी गाने के भोजपुरी वर्जन ने इंटरनेट पर मचाया गदर, खेसारी अक्षरा हॉट डांस का देख छूट जाएंगे पसीने। लाल ट्रांसपेरेंट फ्रंट कट गाउन, अनन्या पांडे लग रही कयामत, ट्रोल ने उजाया मड़ा। ट्रिपल आर के ट्रेलर लॉन्च में आलिया भट्ट ने लूट ली महफिल, रेड साड़ी में लगी बला की खूबसूरत। कैटरीना का सुर्ख लाल लहंगा, विक्की की आइवरी सिल्क शेरवानी, सब्यसाची मुखर्जी ने किया डिजाइन। कैटरीना कई फिल्मों में ससुर श्याम कौशल के साथ काम कर चुकी हैं, फैंटम में मशीन गन चलाने पर हुई थी बहस। कैटरीना कैफ के देवर सनी कौशल ने पोस्ट में लिखा फैमिली आपका स्वागत है पर जाई जी। ट्रिपल आर ट्रेलर लॉन्च में जूनियर एनटीआर आलिया भट्ट समेत मौजूद रही पूरी टीम, नहीं पहुंचे लीड एक्टर रामचरण। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।